हेलो दोस्तों, सीरीज जीत के बाद रोहित ने खोला दिल, कहा ये तीन खिलाड़ी है टीम के असली हीरो। बताएंगे आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से मात दी। इस सीरीज के आखिरी मैच में टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत हासिल की। इस जीत में ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या का योगदान बेहतर रहा। जीत के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भी एक बड़ा बयान दिया। रोहित ने जीत के बाद खोला दिल। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद एक बड़ा बयान दिया। इस जीत पर बात करते हुए रोहित ने कहा, बहुत खुश, सफ़ेद गेंद क्रिकेट में एक टीम के रूप में कुछ हासिल करना चाहता था। हम पिछली बार यहाँ थे और हार गए थे, मुझे यह याद है। आने और गेम जीतने के लिए आसान जगह नहीं है, यह अच्छी पिच थी, लेकिन हम समझते हैं कि अगर हम पहले ही विकेट गवा देते तो यह आसान नहीं होता। इसका सकारात्मक पहलू यह है कि इन दोनों के बीच के ओवरों में ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं थी। इन प्लेयर्स को रोहित ने की तारीफ। रोहित ने आगे बात करते हुए कहा कि आज हमें हार्दिक और ऋषभ पंत के साथ देखने को मिला। हमें कभी नहीं लगा कि वे घबरा रहे हैं। उन्होंने अपना समर्थन किया और क्रिकेट शॉट खेले। चहल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण सदस्य है। उन्होंने सभी फॉर्मेट में गेंदबाजी करने का काफ़ी अनुभव है। विश्व कप के बाद उनकी वापसी में काफ़ी खुश है। हार्दिक भी एक तरफ से बाउंड्री लंबी थी, वह बाउंसर फेंकता रहा और इनका इनाम मिला। वास्तव में नई शीर्ष क्रम के बारे में चिंतित है। सच कहूँ तो विकेट के पास कुछ ज़्यादा नहीं था, हमने कुछ अच्छे शॉट नहीं खेले। अभी भी उन लोगों को वापस आने के लिए अच्छा है। सीरीज जीत पर कही ये बात। रोहित ने सीरीज जीत पर कहा, उन सीरीज में से एक जहां शीर्ष क्रम पार्टी में नहीं आया, मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि टीम के क्या गुण हैं। हमारे पास बेंच पर बैठे कुछ ठोस लोग हैं और एक खेल पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम उस बेंच स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहेंगे। चोट लगना तय है, काम के बोझ को संभालना है, इसलिए बेंच पर स्ट्रेंथ बनाने की जरूरत है। कुछ ठोस खिलाड़ी मिले हैं, उन्हें वेस्टइंडीज में मौका मिलेगा। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।